वैसे एक मुश्किल क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, मुझे पता नहीं इसका उत्तर आप लोग दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, पर प्रयास कर सकते हैं। आप सब में से मनुष्य योनि में कौन कौन है? मैं जानता हूं मुश्किल क्वेश्चन है, हाथ खड़ा करने में शर्म आएगी, थोड़ा डर लगेगा, एक दूसरे की तरफ देखने लगेंगे तू है क्या। बोला नहीं, आंखों से तो नहीं लगता मैं हूं, लेकिन अब सब हाथ खड़ा कर रहे हैं तो क्या करें, मैं भी हाथ खड़ा कर देता हूं। तो हमारे आचार्यगण कह रहे हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा भजिया जानिया सुनिया विष्णु। कह रहे आपको मनुष्य जन्म मिला और आपने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, आपने जानबूझकर क्या किया है, विष खाया है। और कलयुग मेरा जो लोग है, कलयुग के जो वासी है, ये बिल्कुल वैसे ही है। जो अवसर इन्हें प्राप्त हुआ है, देखिए कलयुग के लोगों को जो अवसर प्राप्त होता है वो किसी युग के लोगों को प्राप्त नहीं होता। एक बार तीन ब्राह्मण आपस में बहस कर रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन उद्देश्य उनका बहस करना नहीं था, उद्देश्य उनका था ये देखना कि सभी युगों में से बेटर युग कौन सा है। तो पहला ब्राह्मण कहता है मेरे हिसाब से सत्ययुग सबसे बेटर है, धर्म जो था कंप्लीट मात्रा में था, धर्म की हतलानी नहीं हुई थी, तो सत्ययुग सबसे बेस्ट है। दूसरा कहता है नहीं, सत्ययुग सबसे बेस्ट नहीं भाई, सबसे बेस्ट है त्रेता युग। बोला क्यों? बोला क्योंकि त्रेता युग में सिंपल यज्ञ करो, अग्नि में घी डालो, ब्राह्मणों को दान दो, हो गई भक्ति। तीसरा कहता है नहीं 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 नहीं, त्रेता युग बेटर नहीं है, बेटर है द्वापर युग, क्योंकि द्वापर युग में क्या करना है। बोला इस युग में तो स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, इस युग से बेटर युग कोई हो ही नहीं सकता। तो तीनों बहस करते, सत्युग त्रेता द्वापर, सत्युग त्रेता द्वापर। काफी देर तक ऐसे बहस करने के बाद बोलो सोचते हैं, देखो कंक्लूड तो हो नहीं रहा है, तो चलो किसी और से पूछते हैं। बोला वेद व्यास जी से पूछने चलते हैं। बोला चलो ठीक है, ये अच्छा आइडिया। तीनों बद्री का आश्रम चले गए वेद व्यास जी से पूछने के लिए, और वेद व्यास जी उस समय तालाब में खड़े हुए हैं डुबकी मारने के लिए, वो कुंड में खड़े हैं डुबकी मार रहे। तीनों ब्राह्मण पहुंच गए, कहते हैं आप बताइए सत्युग सबसे बेटर है, नहीं त्रेता सबसे बेटर, नहीं द्वापर सबसे बेटर है। कलयुग के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था, लेकिन वेद व्यास जी क्या बोलते हैं, वेद व्यास जी डुबकी मारने से पहले बोलते हैं, कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण। जैसे ही शब्द सुनते कली सब अपने कान बंद कर लेते हैं, कह रहे कली कलयुग नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता, कलयुग कलयुग के कोई चांस ही नहीं है। क्यों कलयुग के कोई चांस नहीं है, क्योंकि कलयुग के लोगों की हरकत ही ऐसी है, कलयुग के लोगों का स्वभाव मक्खी की तरह, जैसे कुछ बहुत सुंदर फूलों का बगीचा हो जिसमें अलग अलग प्रकार के खुशबूदार फूल हैं। कलयुग के लोग किस पे जाके ठहरते हैं, किसी फूल के ऊपर नहीं, उस बगीचे में किसी जानवर में जो थोड़ा सा मल त्यागा हुआ है उस पे जाके बैठ। अभी देखिए हरि कथा चल रही है, भक्तों का संग है ना, भक्तों का संग हरि कथा है ना, हमारे आचार्य गण बता रहे हैं जब तीनों लोकों में तीनों ब्रह्मांड में भूर भुव स्व घूमने के बाद अगर कोई व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, तो जो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है उससे भगवान ये सौभाग्य देते हैं, उसे भक्तों का संग मिलता है। जिसे भक्तों का संग मिला है उसने अपने जीवन में हर प्रकार की तपस्या कर ली है, हर प्रकार के दान दे दिए हैं, हर प्रकार की नदी में पवित्र नदी में स्नान कर चुका है, हर प्रकार की तीर्थ में जा चुका है, अब उसको भक्तों का संग मिला है। लेकिन कलयुग के लोगों की फितरत देखो क्या है, हरी कथा में रुचि हरी कथा में बैठ के भी नहीं हो पाती, अभी भी महाराज तेज से देखने में बाहर से कौन आ रहा है, कहीं कुछ हरी कथा में स्वाद नहीं है, उसमें रस नहीं आ रहा, रस अगल बगल है। तभी जीव गोस्वामी बता रहे हरि कथा कैसे सुनते हैं, जीव गोस्वामी बता रहे जैसे किसी गाय के बच्चे को भूख लगी हो और वो देख रहा है उसकी माँ के जो थन है वो दूध से भरे हुए हैं, तो बच्चा क्या करता है, बिल्कुल माँ के पीछे 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 सर उठाए घूम रहा होता है। और अगर थोड़ी देर के लिए वो घास को देख ले, बाकी बच्चों को देख ले, सोचे थोड़ा इंजॉय कर लू, उसकी माँ कहीं और चले जाए।
जी गुस्सा बता रहे इसका मतलब क्या है, कह रहे हम हरी कथा सुनते हुए कभी कभी इधर उधर देखते हैं, ऐसे कर ही लेते हैं, बोला इधर उधर देखने में, थोड़ा फोन चेक कर लेने में, थोड़ा बच्चों को हैंडल करने में क्या होता है, हरी कथा का फ्लो निकल चुका होता है। अब कान में कुछ शब्द तो जा रहे होते हैं लेकिन शुद्धिकरण नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो फ्लो था, जो क्रम था, वो टूट गया, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए कहते हैं हरी कथा उत्कंठा के साथ सुनिए। उत्कंठा मतलब उत्कंठा, कंठ ऐसे, हम हरी कथा ऐसे सुनते हैं। क्लास में कैसे बैठे होंगे, उसे बड़ा मार पीट के बिठाया, मिलना नहीं है बिल्कुल। कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है, वैसे ही कृष्ण में और उनकी कथा में कोई भेद नहीं। लेकिन कलयुग के जीव टेंडेंसी कैसी है, मक्खी की तरह भिन भिनाते हुए हमेशा गंदगी की तरफ ही मन लेके जाएगा। चॉइस हमारी है। हम ध्यान से कथा सुने, इस समय बैठे अपना बेस्ट तो दे ही रहे ना, बैठे तो हैं यहां पर, क्यों ना बेस्ट दिया जाए, चॉइस हमारी, या फिर क्यों ना बाहर देखा जाए, इधर उधर देखा जाए। आप जानते हरी कथा की इंपॉर्टेंस कितनी है, हरी कथा चल रही हो भगवान के दर्शन खुले प्रणाम नहीं करते, पहले बैठे कथा सुनते, हरी कथा चल रही हो नाम संकीर्तन निकल के जा रहा हो, नाम संकीर्तन रोक दिया जाता है, कहते हरी कथा चल रही है। ये हरी कथा की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नाम जप के बारे में आपने कहां से सीखा, हरी कथा से सीखा। जो विग्रह है ये लकड़ी नहीं है, ये स्वयं जगन्नाथ है, कहां सीखा, हरी कथा से सीखा। और अब अगर हरी कथा सुनने में हमने लापरवाही कर दी तो फिर हमें विग्रह विग्रह नहीं लगेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं जो पुजारी लोग भी हरी कथा सुनना बंद कर देते हैं उनको भी श्री विग्रह गला ग्रह लगने लग जाते हैं। गला ग्रह मतलब गले पर बोझ। प्रभुपाद कहते हैं जो मेरे भक्त हरी कथा नहीं सुनते और भगवान की सेवा करते हैं, ये थोड़े समय बाद कहेंगे कि ये बूढ़ा व्यक्ति हमारे ऊपर इन अर्चय वगैरह का बोझ लेकर चले गया, क्योंकि क्या नहीं सुन रहे, हरी कथा नहीं सुन रहे। इस नवदा भक्ति का पहला अंक क्या, श्रवणम। पांचांग भक्ति का पहला अंक क्या, साधु संग, उनसे सुनो, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो चलेगा नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी हमारी। ये हरी कथा की इंपॉर्टेंस है। हम लोग सोचते हैं हरी कथा तो कान से सुन रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता, हरी कथा आंखों से सुनी जाती है। जब हम आंखों सुन रहे होते चेहरा बताता है कि हरी कथा कौन सुन रहा है, और चेहरा बताता है बाउंसर किस किसके ऊपर से किया है, क्या भाई ये तो बॉल ऊपर से कर दी समझ नहीं है। Yes. तो कईयों के लोगों की टेंडेंसी है, बहुत ही बुरी टेंडेंसी है, बड़े बड़े अहंकार, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं और एप्लीकेशन की तो बात ही मत करो, वो तो है ही शून्य। बड़े बड़े ईगोस लेके घूम रहे, सबके इंडिविजुअल ईगोस है। ईगो शब्द कितना अच्छा, देखो ई जी ओ, ईगो का मतलब एजिंग गॉड आउट, एजिंग गॉड आउट मतलब भगवान को किनारे कर देना। जैसे लोग कहते हैं ना अभी आजकल, उनको सेवा के लिए बोलो सेवा नहीं करेंगे, हरिनाम जप करो हरिनाम जप नहीं करेंगे, लेकिन मोबाइल पे क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, एक दो ये डांस, ये गाना, ये बोली, सब देखते रहेंगे, है ना, पिक्चर की, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड सब देखते रहेंगे। गलती से बीच में राधा श्याम सुंदर की वीडियो आई, सबकी से स्क्रॉल कर देते, तो तू कहां से आ गया रे, अरे ये तो मेरा एंजॉयमेंट का समय है, ना ना इसमें कृष्ण इंटरवीन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये समय किसका है, मेरे एंजॉयमेंट का, इसको ऊपर करो। इससे कहते हैं ईगो। भगवान को हरी कथा सुनते समय हरी कथा माइनस कृष्ण, जब करते समय हरी नाम माइनस कृष्ण, माइनस कृष्णा होना चाहिए, प्लस कृष्णा होना चाहिए, लस कृष्णा होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कौन है, कृष्ण है रसिक शेखर, कृष्ण आनंद घन है, आनंद कहां से आएगा, उन्हीं से आएगा, हमने आनंद का सोर्स बंद किया हुआ है, अब हम कह रहे हैं आनंद चाहिए कहां से। एक लड़की अपनी मां के पास गई, कहती है मां, मां का बुल्लू पकड़ के, मां एक बात बोलू, मां बेटा बोल ना क्या हुआ,
माँ मेरी इच्छा है, मेरी ना जो सास हो ना वो मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार करे। माँ बड़ी खुश हो जाती, दिल भर जाता है, इतना अच्छा। और माँ मेरा जो ससुर हो ना वो मेरे को पापा से भी ज्यादा प्यार करे। माँ कहती अच्छा, वेरी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। और माँ मेरे जो देवर हो ना, मेरी ननद हो, बिल्कुल दोस्तों की तरह हम रहे साथ में। माँ कहते बेटा तुझे असली में पति चाहिए। कहे ना माँ पति नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। हंसी आ रही है ना, ऐसे भगवान को भी हंसी आती है। हम भगवान के पास आके कहते सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, कृष्ण चाहिए, कहते कृष्ण नहीं चाहिए। तो कलयुग के लोगों की टेंडेंसी पता क्या है, बुद्धि बड़ी कम है, बड़ी कम है। मक्की की तरह घूम फिर के जितना मर्जी समझा दो, बैठेंगे मन के ऊपर ही आके, वहीं पर ही बैठेंगे आके। क्यों? क्योंकि कुछ पता नहीं। भगवान से मांगना क्या है ये भी नहीं पता। एक व्यक्ति ने तपस्या की, भगवान सामने आ गए। भगवान कहते मांगो पर क्या चाहिए। कह रहा भगवान ये जो मेरा बैग देख रहे हो ना, बैग पैसे से भरा रहना चाहिए। भगवान ने बोला तथास्तु। और भगवान मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। भगवान ने बोला तथास्तु। अब पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, अब क्या चाहिए? लड़की चाहिए। कह रहे भगवान मैं लड़कियों से ना घिरा हूं। भगवान कहते तथास्तु। अगले दिन उसके घर पे ऑफर लेटर आता है, लेडीज बस का कंडक्टर बन जाता है। बड़ी गाड़ी भी है, पैसे से बैग भी भरा रखा है, लड़कियां भी आसपास है, अपना कुछ नहीं है। क्योंकि मांगना ही नहीं आता। भगवान के पास लोग आते हैं, मांगना ही नहीं आता। क्या मांगे भगवान से? हरी कथा सिखाती है भगवान से मांगना क्या है भाई। एक बूढ़ी माता लकड़ी का गट्ठा उठा के जा रही थी, उठाते उठाते उठा पैर टकराए, गिर गई। कहती हे भगवान, भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते मांगो बस क्या चाहिए। कहती लकड़ी का गट्ठा उठा के मेरे सिर पे। ये है हम, भगवान से नहीं मांगना होता, भगवान को मांगना होता। डिफरेंस ही नहीं पता। राजा के पास गए हो, राजा के पास जाके छोटी छोटी चीजें मांगने से अच्छा है राजा की मित्रता मांगना। एक बार राजा के मित्र बन गए, जो फैसिलिटीज राजा लेता है वही फैसिलिटीज आपको भी मिलेगी। हमें भगवान से, कलयुग के लोगों को भगवान से मांगना नहीं आता होता, कलयुग के लोगों को जिज्ञासा करनी नहीं आती, प्रश्न क्या पूछना है ये भी नहीं पता। ऐसा प्रश्न पूछते उलूल झुलूल, समझ नहीं आता पूछा क्या है। एक होती योग्य जिज्ञासा, एक होती अयोग्य जिज्ञासा। योग्य जिज्ञासा जैसे अर्जुन ने की। अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवद गीता में, कौन सा श्लोक है बताइए? 2.7 यस, कार्पण्य दोषो पह स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता। मैं आपसे पूछ रहा हूं धर्म क्या, मुझे बताइए। और मित्र है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दे। यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम्। आई एम अ सोल सरेंडर टू यू कृष्णा। मैं आपको समर्पित होता हूं, जो मेरे श्रेयस है ना बेटर है वो बताइए। ये है जिज्ञासा। और जिज्ञासा की परीक्षित महाराज ने, परीक्षित महाराज आके प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बताइए मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये है योग्य जिज्ञासा। और फिर होती है अयोग्य जिज्ञासा, जो आजकल लोग प्रश्न पूछते हैं जिसकी कोई सेंस नहीं है। पानीपुरी में राधा गोविंद स्वामी महाराज की कथा करते एक बार कि कैसे शिव जी ने जो गणेश जी की गर्दन काटी थी और फिर हाथी का सर लगाया था। तो एक व्यक्ति ने कथा के बाद हाथ खड़ा किया, बोलो हाथी का सर तो लगा दिया था लेकिन वो पहली वो कटी हुई गर्दन थी वो कहां थी? इसको संभाल के घर लेके डर, इससे ना इसका भला होगा ना उसका भला होगा, किसी का भला नहीं होगा, जगत का भला नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी जब प्रश्न सुना ना परीक्षित महाराज का, कह रहे मुन्या साधु कृष्णो हम भगवत गी लोक मंगलम यद कृता कृष्ण सम प्रश्नो ये नात्म सुप्रसिद्ध। कह रहे आपका जो प्रश्न है ना ये जगत का मंगल करने वाला, हमारे जो प्रश्न होते हैं हमारा मंगल करने वाले ही होते हैं, जगत का क्या करें। हमारे एक भक्त इतने सुंदर कथा करते राधा रानी के ऊपर, और राधा रानी की कथा के ऊपर कथा करते करते वो बता रहे कि राधा रानी का रथ कितना बड़ा होता है।
इतना बड़ा रथ होता है कि 100 करोड़ गोपियां नृत्य कर सकती हैं उसके ऊपर। डीटीसी बस की तरह नहीं होता फंस फंस के बैठे, 100 करोड़ गोपियां नृत्य कर सकती हैं उसके ऊपर, इतना बड़ा रथ होता है। क्लास के बाद एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, कहता प्रभु जी वो पाप कहां कर दू। अब बताइए, क्योंकि उसको पता मेरी आइटम खड़ी करने की जगह है नहीं कहीं, ये इतना बड़ा रथ कहां खड़ा होगा, क्यों? अयोग्य जिज्ञासा। तो ना कलयुग के लोगों को भगवान से मांगना आता है, ना जिज्ञासा करनी आती है, और ना ही प्रार्थना करनी आती है, प्रार्थना भी नहीं करनी आती। और आजकल की जो प्रार्थना है हमारे, देखिए जब जो हम प्रणाम मंत्र गाते हैं, श्री कृष्ण का, श्रीमती राधा रानी का, जगन्नाथ जी का, हर किसी का मीनिंग है, अर्थ है। जो हमारे आचार्य ने वैष्णव भजन गाई है, इसका मीनिंग है, अर्थ है। आज जो बाहर भजन देखिए, जो प्रार्थना के नाम पर चल रहे हैं, स्तुतियों के नाम पर चल रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है उसका। राधा ने मारी उसको, कन्हैया बोले हेलो हेलो, कोई अर्थ है इसका? कोई अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, ऐसी प्रार्थनाएं गाते रहेंगे, और जो आचार्यों ने प्रार्थनाएं दी है उसमें कोई रस नहीं है। ये है कलयुग के जीव, जो बहुत ही मतलब महानता भी होती है, ये है कलयुग के जीव। ना भगवान से मांगना आता है, ना जिज्ञासा करनी आती है, ना प्रार्थना करनी आती है। होगा क्या कलयुग के जीवों का? मतलब कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? कलयुग के लोग जब नवदा भक्ति का शेल्टर लेंगे तो उनका उद्धार होगा। जो 9 अंग बताए गए हैं भक्ति के, उसकी शरण लेना बहुत जरूरी है। हालांकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको और शॉर्ट कर दिया, कह रहे नवदा भक्ति कलयुग के लोगों को फिर भी थोड़ी बड़ी है, कह रहे पांचांग भक्ति, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तये श्रद्धाये सेवा। बोला पांच चीजें करना, डिवोटी एसोसिएशन पहला बता रहे, डिवोटी एसोसिएशन, फिर नाम संकीर्तन, क्योंकि संकीर्तन किनके साथ होगा? भक्तों के बीच में तो होगा। संकीर्तन का मतलब ही क्या है? सम्यक रूपेण कीर्तन, जब सब एक साथ मिलके भगवान के नाम का कीर्तन करें उसे क्या कहते हैं? संकीर्तन। अच्छा अगला भागवत श्रवण, बिना भक्तों के भागवत श्रवण कैसा होगा? बिना भक्तों के धाम वास कैसे होगा? धाम में क्या करोगे जाके? और बिना भक्तों के भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इससे सभी चीजों के लिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब प्रश्न उठता है, जो कि महीना आ रहा है चातुर्मास्य का, बोलो ये चातुर्मास्य का महीना दरअसल है क्या? जैसे कभी कभी सेल लगती है ना, और लोग पागल हो जाते हैं सेल के नाम पे। सेल में दिखाते हैं 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, और लोग छोटे छोटे डिस्काउंट में क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं, कहते हैं डिस्काउंट मिल रहा है। उसी प्रकार से चातुर्मास्य क्या है? भक्ति का डिस्काउंट, खूब डिस्काउंट है। कैसे? बोले ये चतुर्मास्य के समय भक्ति करना बहुत ही सरल होता है। चतुर मतलब चार, मास्य मतलब महीने, 4 महीने जो हैं ये भक्ति में प्रगति करने के लिए तीव्रता से, ये समझ लीजिए सेल टाइम है। और देखिए इन 4 महीनों में सारे बड़े बड़े उत्सव आते हैं, झूलन यात्रा, बलराम जयंती, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस, कार्तिक का महीना, सारे बड़े बड़े उत्सव कब है? इन चतुर्मास्य में। वैसे ये चतुर्मास्य में क्या होता था, पहले बारिश पड़ती थी बहुत तेज, तो यात्री जो होते थे तो ट्रेवल करते थे, बाय फुट ही करते थे, तो उनकी ट्रेवलिंग रुक जाती थी, और अब एक स्थान पर बैठ के क्या करते थे? अपने भजन को बढ़ाते थे। आजकल लोग एक स्थान पर बैठ के अपने वजन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले लोग एक स्थान पर बैठ के अपने भजन को बढ़ाते थे। कह रहे 4 महीने भजन, आज लोग सोचते हैं चतुर्मास्य का मतलब 4 बार खाओ, अधिक मास का मतलब अधिक खाओ, नहीं, ये 4 महीने तपस्या की। कौन सी तपस्या? वो अभी हम चर्चा करेंगे। अच्छा ये 4 महीने का वर्णन कहां पर है? बोला ये वर्णन भागवतम के अंदर है। एक बार वेद व्यास जी नारद मुनि से पूछते हैं, नारद शब्द देखिए कितना अच्छा है, जो नारायण देने वाले हैं उनको क्या कहते हैं? नारद। जो नारायण प्रदान करते हैं किसी को वो है नारद। बोले ये नारद आप कैसे बन गए?
मतलब लोग पूछना चाहते हैं प्योर डिवोशन के पीछे क्या कारण, क्या क्या किया था आपने ऐसा, तो नारद मुनि बताते हैं अपने पिछले जीवन के बारे में। नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से मैं एक दासी पुत्र था और दासी पुत्र होने के साथ साथ एक गुरु के आश्रम में हम सेवा किया करते थे, लेकिन वहां पर क्या हुआ, कुछ संत कुछ साधु महात्मा आए वहां पर, चार महीने तक मेरी जो माँ थी उनकी सेवा करती थी और मैं अपनी माता को असिस्ट करता था सेवा करने में, उनसे परमिशन लेके अनुमति लेके मैं उनका महाप्रसाद ग्रहण करता था, उनकी सेवा करने का अवसर मुझे मिलता था, उनसे श्रवण करने का अवसर मुझे मिलता था। और क्योंकि ऐसे वैष्णव से चार महीने तक मैंने श्रवण किया, इसका रिजल्ट मुझे क्या मिला है कि आज मैं नारद के शरीर में। तो अगर कोई किसी को दे रहा है भगवान नाम के रूप में या हरि कथा के रूप में, इसका मतलब किसी ना किसी से उन्होंने लिया है। ऐसे नहीं दे रहे, जैसे सुखदेव गोस्वामी, लोग सोचते हैं सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य हैं, ये ट्रू है, कीर्तन के आचार्य हैं, लेकिन उन्होंने श्रवण किया था। ऐसा नहीं श्रवण किया था, बोला कैसे श्रवण किया था, सुखदेव गोस्वामी तो बस प्रकट हुए थे और प्रकट होने के साथ साथ ही वो निकल गए थे, बस वो घर के गृहस्थ जीवन में फंसना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने श्रवण किया था पहले। असली में सुखदेव गोस्वामी कौन थे, सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का तोता। जब राधा कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जा रहे थे तो शुका ने बोला कि मेरा क्या, मैं यहां पर किसके भरोसे रहूंगा, मुझे नरिशमेंट मुझे शक्ति कहां से मिलेगी, बोला आपको नरिशमेंट शक्ति उन स्थान से मिलेगी जहां पर हरि कथा होती है। अब उस समय एस्कॉन मंदिर तो थे नहीं कि तोता उड़ता उड़ता आता सुबह 8 बजे भागवतम क्लास में, फिर उड़ता उड़ता आता शाम को 8 बजे भगवत गीता क्लास में, अब ऐसा तो कोई अरेंजमेंट था नहीं उस समय। ये तोता हर तरफ भ्रमण करता रहा करता रहा करता रहा, कहीं कथा नहीं हुई, भ्रमण करते करते कैलाश पहुंच गया और कैलाश में शिव जी कथा कर रहे हैं और पार्वती माता कथा सुन रही है, और शिव जी कथा कैसे कर रहे हैं, आंखें बंद करके कथा कर रहे, कथा करते जा रहे, क्योंकि शिव जी को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कथा करने, शिव जी लाइव टेलीकास्ट देखते हैं भगवान की लीलाओं का और यही सुनाते हैं। अब वो यही करते लीला सुना रहे थे और पार्वती माता मतलब एक श्रोता और एक वक्ता, लेकिन जितना वक्ता मजबूत उतना श्रोता मजबूत भी होना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाती है। सोचिए सुखदेव गोस्वामी बैठ जाते हैं उनके सामने, हमारे जैसा कोई बैठ जाता जो पौने घंटे के बाद टाइम देखता, जो हर 2-2 मिनट के बाद पांव का पोजीशन चेंज करता, सुखदेव गोस्वामी कहते जा खा ले को जा। कि सामने श्रोता कैसे थे, परीक्षित महाराज। तो ये शुका था, ये उड़ता उड़ता जा रहा है और कहां पहुंचा, कैलाश पहुंचा। कैलाश में शिवजी कथा कर रही है, पार्वती माता कथा सुन रही है और ये वृक्ष के ऊपर आके बैठ गया और कथा चल रही है। शिवजी को कैसे पता लगेगा माता पार्वती कथा सुन रही है, माता पार्वती हर थोड़ी देर के बाद आवाज निकालती थी, शिवजी को पता लगता सुन रही है। अब कथा सुनते सुनते कुछ फिलोसफी कुछ सिद्धांत शायद भागवतम का दूसरा स्कंद आ गया होगा और पार्वती माता को उसमें नींद आ गई, पार्वती माता सो गई। अब शुका सोच रहा है बड़ी मुश्किल से तो खुराक मिली शुरू हुई नरिशमेंट, अब माता जी सो गई है, अभी माता जी ने हूं की आवाज बंद कर दी क्योंकि प्रभु जी बंद कर देंगे कथा करना, मेरा क्या होगा। तो शिव जी कथा कर रहे हैं, माता पार्वती सो गई है और पेट में शुका आवाज निकाल रहा है। पूरी कथा होने के बाद शिवजी माता पार्वती से पूछते, सब समझ आ गया ना, पार्वती माता कहते मैं तो सो गई थी, बोले तुम सो गई थी तो ये हूंगू कौन था, उन्होंने वृक्ष के ऊपर देखा ये तोता बैठा हुआ था। शिवजी कहते अयोग्य व्यक्ति ने हरि कथा सुन ली, शिवजी त्रिशूल लेकर उसको मारने के लिए भागे, इसका मतलब क्योंकि भागवतम परमहंस संहिता है, हर किसी का आधा अधिकार नहीं है इसको पढ़ने और सुनने का, ये तो प्रभुपाद जी की और हमारे आचार्य की कृपा है कि हम इसे सुन और पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो
शिवजी ने जब देखा कि अयोग्य व्यक्ति ने हरि कथा सुन ली, त्रिशूल लेके पीछे मारने के लिए दौड़ रहे हैं और ये शुका उड़ता उड़ता जा रहा है और शिवजी पीछे पीछे भाग रहे हैं, और भागते भागते कहां पहुंचे, बद्री का आश्रम पहुंचे। बद्री का आश्रम में व्यास देव जी कथा कर रहे हैं और उनकी पत्नी कथा सुन रही है। सेम दो लोग, एक कथा करने वाला और एक कथा सुनने वाला। और कथा सुनते सुनते व्यास देव जी की जो भार्या थी उनको भी नींद आई, लेकिन अभी पूरी वाली नहीं आई, अभी नींद से पहले वाला सैंपल आया। इधर शुका उड़ता उड़ता आ रहा, बोले कि कौन मेरे पीछे पड़ गया भाई, ये तो रुकते नहीं है, थकते नहीं है। शिवजी त्रिशूल लेके भाग रहे, इसको तो मारना ही है। शुका उड़ता उड़ता, जैसे ही माता जी ने वेद व्यास जी की भार्या ने उबासी ली, ये शुका उनके मुंह में घुस गया और गर्भ के अंदर चले गया। यही शुका 16 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रुके और प्रकट हुए बाद में सुखदेव गोस्वामी के रूप में। अब देखिए, सुखदेव गोस्वामी ने कथा नहीं सुनी, क्या शिवजी से सुनी। और दूसरा, वेद व्यास जब कथा कर रहे थे तो गर्भ में थे ना, 16 वर्ष नहीं है, 16 साल सुनते रहे कथा। इसकी हियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, श्रवण करने का बहुत इंपॉर्टेंस है। नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि जब दासी पुत्र थे, वो जो भक्ति वेदांतिस आए थे, जो भक्त आए थे, डिवोटीज थे, जो वैष्णव आए थे, उनसे हरि कथा सुना करते थे सावधानी पूर्वक, केयरफुली। क्योंकि जब हम सावधान, जब हम कथा सुनते हैं ना, कथा सुनते समय भी हमारा एक भाव होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए। अभी क्या होता है, जिसको लेक्चर देना वो तो तैयारी करके आता है, जिसको लेक्चर सुनना वो कोई तैयारी करके नहीं आता, वो कहता है क्लास का टाइम हो गया, वो क्लास में इसका बैठ जाता है, फिर क्लास में इधर उधर देखता रहता है। प्रिपरेशन का है। प्रभुपाद जी उपदेशामृत में कह रहे हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस depends on the attitude of the follower. प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्ति में कितना प्रगति करेंगे ये निर्भर करता है हमारा रवैया क्या है। इसका मतलब, अगर वक्ता जो है कथा प्रिपेयर करके कथा नहीं देगा, उसका शुद्धिकरण नहीं होगा, और सुनने वाले अगर प्रिपेयर होके नहीं बैठेंगे तो उनका शुद्धिकरण नहीं होगा। हम कथा सुनने से पहले प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आज की कथा मुझे समझ आए कृष्ण, हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य कीर्तन दास हूं, आई एम योर सर्वेंट, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से इस भौतिक संसार में गिर गया। अब ये जो हरि कथा है जो कि आपसे अभिन्न है, आपकी कृपा के बिना ये मुझे समझ नहीं आएगी, तो कृष्ण आप कृपा कीजिएगा ताकि आपकी कृपा को, आपका होली नेम और आपका होली फेम, मतलब आपकी कथा, ये मेरे हृदय में टिके, कृपा कीजिएगा कृष्ण आप इस पर। क्योंकि हम लोग सुन तो लेते कान से, लेकिन हमें समझ नहीं आती, क्यों? क्योंकि इस उद्देश्य के साथ नहीं बैठे थे कि जीवन में कोई परिवर्तन आना चाहिए। कौन कौन बैठे थे इस उद्देश्य के साथ कि आज हरि कथा सुनेंगे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, भगवान से प्रार्थना करके बैठे थे कि आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। 2-3-4 इसका मतलब तैयारी जरूरी है भाई। हमें मंदिर जाना होता है, हम मंदिर जाने का मतलब पता है क्या समझते हैं, मंदिर जाने धोती कुर्ता प्रेस है, गोपी ड्रेस प्रेस है, तिलक है, ये हमारी तैयारी है मंदिर जाने की। मंदिर जाने की सबसे बड़ी तैयारी होती है चेतना तैयार है, कॉन्शियसनेस रेडी है, इंपॉर्टेंट है ना। ये जो धोती कुर्ता के साथ, गोपी ड्रेस के साथ, साड़ी के साथ पहुंच रहे, अब मंदिर में आके दिल लग रहा है, जगन्नाथ जी के सामने खड़े हुए, फिर बाहर जाके बातें कर रहे हैं, कोई लाभ तो मिला ही। लेकिन नारद मुनि ने ऐसा संग नहीं किया था, नारद मुनि का जो संग था एकदम परफेक्ट, जैसे प्रभु लोग सुन रहे हैं एकदम परफेक्ट। माता जी इसका काफी का ध्यान बाहर चले जाता है, एकदम परफेक्ट। नारद मुनि का एक ही कार्य था उस समय, हरि कथा सुनना, वैष्णवों से उनकी सेवा करना और उनसे अनुमति लेकर उनका महाप्रसाद खाना। इससे जो दासी पुत्र थे वो नारद बन गए। लेकिन कब? ये चतुर्मास्य के महीने में, क्योंकि इन चतुर्मास्य में जब वर्षा होती है तो सभी भक्त रुक जाते थे और भजन करते थे,
और आज भी इस चतुर्मास में जितने वैष्णव हैं, भक्तगण हैं, वो अपनी साधना का लेवल बढ़ाती है और इसका इम्पैक्ट पड़ता है हम सबकी कॉन्शियसनेस पे। जैसे एकादशी के दिन ना ज्यादा माला करने का दिल करता है, अच्छा लगता है भगवान के सामने खड़ा होना, प्रार्थना करना, क्यों? स्थिति में बल है। और हमारी स्थिति कैसी है? हम बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही कमजोर है। अब कमजोर व्यक्ति को बल कहां से मिलेगा? हरि कथा से। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये श्रीमती राधा रानी ने अपने तोते को बोला था कि तुम्हें नरिशमेंट कहां से मिलेगा? हरि कथा से मिलेगा। और हमें नरिशमेंट कहां से मिलेगा? हरि कथा से मिलेगा। गोपियां देखिए कृष्ण के विरह में जब भटक रही हैं, कृष्ण को ढूंढते हुए, कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण, तब गोपियां गोपी गीत गाती हैं और उसमें क्या आता है? तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, यानी ये जो जीवन है ना मेरा, ये तप्त है, जल रहा है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, रेमेडी क्या है? रेमेडी है हरि कथा। तो नारद मुनि ने इन चार महीने भक्तों की सेवा की, सेवा में प्रमुखता क्या किया? भक्तों से सुना। और क्या सेवा की उनकी? मीनियल सेवा कर सके। और क्या? उनकी अनुमति लेके उनका महाप्रसाद पाया। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पे गए, 6 साल तक भ्रमण कर रहे थे जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में, तो भ्रमण करते हुए वो वेंकट भट्ट के घर पहुंचे। वेंकट भट्ट और तिरुमल भट्ट ये लोग क्या करते थे? हमेशा चैतन्य महाप्रभु के संग का दाब उठाते थे, क्योंकि भगवान ने कभी नहीं बोला कभी कभी कीर्तयन्तो मा, क्या बोला भगवान ने भगवत गीता? सततम कीर्तयन्तो मा। सतत मतलब ऑलवेज, क्या मतलब है ऑलवेज? हमेशा। ऑलवेज का सिर्फ एक ही मतलब होता है, दूसरा कोई मतलब नहीं होता। हमेशा मतलब हमेशा। भगवान ने बोला सततम कीर्तयन्तो मा, हमेशा मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है। भगवान ने नहीं बोला कभी कभी कीर्तयन्तो मा, संडे संडे कीर्तयन्तो मा, संडे लव पीस कीर्तयन्तो मा, सुबह 2 घंटे कीर्तयन्तो मा, कभी बोला भगवान ने? नहीं। क्या बोला? सततम, मतलब सततम का मतलब ऑलवेज। एक और जगह सतत शब्द इस बात करिए, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्। भगवान कह रहे जो हमेशा मेरे भजन में लगे रहते, कैसे? प्रीति पूर्वकम्, प्रेम के साथ, लव, प्रेम के साथ। प्रभु जी कहां से लाए लव? यही मिलेगा, यही मिलेगा भक्तों की संगति में, हरि कथा श्रवण करते समय। क्योंकि हमारे आचार्य बता रहे हैं जहां हरि कथा होती है खाली भक्त नहीं आते वहां पर, और भी कुछ लोग आते वहां पर। बोला कौन? बोला है भाई देखो बात चेक करो, बोला है, बोला आते उस स्थान पर कौन? देवी देवता क्या आते हैं। आपको लग रहा होगा यहाँ की अटेंडेंस है आज की 152-200 डिप्यूटीज, बोल नहीं, अटेंडेंस है आज की 33,150,000 की। और कौन आया साथ में? अभी तो तालियां बजा दी, अभी तो पूरी काउंटिंग तो हुई नहीं है, ये तो देवी देवता गण आए हैं। बता रहे हमारे आचार्य बता रहे जिस स्थान पर हरि कथा होगी सारे देवी देवता कथा श्रवण करना चाहते हैं। तभी प्रभुपाद जी एक जगह कथा कर रहे थे, प्रभुपाद जी बोला 2 कुर्सी लगाओ, नारद मुनि आए हैं, वेदव्यास जी आए हैं, कुर्सी लगाओ उनके लिए। हमें तो भक्ति नहीं दिखते, प्रभुपाद जी को नारद मुनि भी दिख रहे हैं। और बता रहे हैं जहां पर भी कथा होती है श्री कृष्ण उस स्थान पर आके विराजमान होते हैं। तो अब कितनी हो गई? 33,200 भक्त और एक कृष्ण। बोले ये भी नहीं, जिस स्थान पर हरि कथा होती है कृष्ण आते हैं और कृष्ण के साथ सभी गोपियां भी आती हैं। तो अब देखिए हमारा एसोसिएशन कितना बड़ा है, कितना बड़ी संगति है हमारी, कितना अच्छा हमें लाभ मिल रहा है हरि कथा सुनने का। भगवान भी तरसते हैं। एक बार अयोध्या में राम कथा रखवाई गई, राम जी पर सिंहासन में बैठ के कथा सुन रहे हैं, नीचे कथा चल रही है और राम जी ऊपर से देख रहे हैं, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा, ये लोग कथा में इतने मग्न हो गए। जब कथा में कोई ऐसा सीन आता था कि जहां पर सीता अपहरण हो रहा है, भक्त गुस्से में आते थे, हिम्मत कैसे हो सकती है रावण की जैसे सीता माता का स्पर्श किया, क्रोध में एक दूसरे की तरफ आंखों में अग्नि आ गई है, और जब कोई हंसी की बात आती थी एक दूसरे की तरफ देखते उनकी पीठ पर हाथ मारते, क्या क्या बात है, क्या मारा भगवान राम ने। और राम जी ऊपर सिंहासन पे देखने कह रहे मैं अकेला बोल बैठा, चादर वादर ओढ़ी एक ऐसे ढका मुंह भक्तों के बीच में आके बैठ गए। और कथा में
को हंसने की बात आती थी, लोग रामचंद्र जी के पीठ पर हाथ मारते थे, क्या बात है, क्या मारा भगवान राम। भगवान राम भी अपनी कथा को रिलीज करना चाहते हैं जैसे भक्त रिलीज करते हैं, क्योंकि जो भक्ति है वो ऐसे नहीं की जाती, बता रहे सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख पूर्वक की जाती है। उदासीन हो के लिए उदासीन को भक्ति कैसे हो सकता है, भक्ति तो सुख पूर्वक की जा सकती है। कह रहे ये बंदा भक्ति करके भी दुखी है। अब सोचो कोई किसी को माला दे रहा हूं, बोले पहले तू हमदर्द का सिंघारा ले, तो थोड़ी एनर्जी ला अपने अंदर, थोड़ा जोश ला, तू मेरे खुद खुश हो तो तू हमारे को बताइयो, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। इसने भक्ति सिद्धांत महाराज जब किसी को प्रचार में भेजते थे ना, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि जाओ प्रीचिंग करने के लिए, जरूरत पड़े तो बोल लेना। इसका मतलब प्रचार करने के वो कह रहे हैं कि बोलने की जरूरत ही नहीं होती, आप आनंद से भक्ति कर रहे हो, किसी को देख के कोई जुड़ जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर, सबसे अच्छा प्रीचर। इसलिए भक्तों को आनंद में रहना चाहिए, पर हरी कथा में आनंद में नहीं होगी फिर कहां होगी, फिर कहां आनंद मिलेगा, और कोई आनंद नहीं है। घर में जाके जब टीवी देखेंगे ना, तब 33 करोड़ देवी देवता नहीं बैठेंगे, तब 33 करोड़ देवी देवता देखेंगे, कह रहे तू देख रहे तेरे को मैं बताता हूं। इसका हिसाब करो, इसका हिसाब बनाओ, टीवी देख रहा है, नाम भी देखे ना, देखिए चित्रगुप्त का नाम कितना अच्छा है, बड़े अलग नाम है, चित्र और गुप्त, गुप्त मतलब सीक्रेट की, चित्र मतलब फोटो लेना। हमें लगता है हम कमरे में अकेले हैं, गुरु का देख रहे हैं, वैष्णव का देख रहे हैं, चित्रगुप्त कहते हैं ये वाला सीन पोस्ट दे, ये वाला पोस्ट दे, कह रहा तो मैं पहाड़ों में हूं, मैं तो मैं समुद्र में हूं, मेरे को कौन देख रहा है, भक्त नहीं है यहाँ पर कोई, वादियां हैं वादियां। चित्रू कहते हैं हाँ ये वाला कोड़ा पोस्ट दे, ये वाली वादी वाला, बोले ये वादी नहीं तेरी बर्बादी है, पूरा सेव कर कर के रखते एक एक फोटो, बाद में दिखाएंगे हमारे को, ये तू वादियों में गया था ना ये उसका दंड है, ये तू गुरु को भूला था ना उसका दंड है। हम सोचते हैं तो कमरे में अकेले हैं, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कमरे के अंदर लेट गए बेड पर, ऊपर रजाई ओढ़ी चादर ओढ़ ली, अब मोबाइल देख रहे हैं, कौन देख रहा है, देख रहे हैं जी, बहुत तो ध्यान लगाए बैठे वहां पर देख रहे हैं। पर यहां पर जब हम भक्तों के बीच में आनंद लेते हैं ना, जब भक्तों के बीच प्रसन्न होते हैं, ये इससे बेस्ट हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात याद रखिए, तीनों ब्रह्मांडों में घूमने के बाद जब कोई मुक्ति का अधिकारी बन जाता है तो भगवान उस पर अपनी सबसे बड़ी कृपा करते हैं, उसको भक्तों का संग दे देते हैं। तो यहां पर भी आप दुखी हैं, भक्त बनने आए थे कमबख्त बन गए हैं, कोई है ही जीवन को रोमांची नहीं, कैसे होगा जब हम अपना बेस्ट देंगे। इससे जब हम हरी कथा सुन रहे हैं ना, बेस्ट देना, केवल ये ऑर्गन से टकरा टकरा के गिरता ना रहे, कह रहे भैया हम तो एस्कान में हैं, एस्कान का मतलब बड़ी क्लियर है, एस्कान से सुनो एस्कान से निकालो, कह रहे क्योंकि हम कहां हैं, हम एस्कान में हैं भाई, ये एस्कान का मतलब नहीं है, एस्कान लाए मुस्कान। एस्कान का काम है हमारे चेहरे पर मुस्कान लाना, तभी हमारा द्वारका का मंदिर का टाइटल बड़ा अच्छा है, श्री श्री रुक्मी द्वारकाधीश मंदिर सेंटर फॉर परमानेंट हैप्पीनेस, बाहर टेंपरेरी हैप्पीनेस है ना, ये परमानेंट हैप्पीनेस है। अच्छा तो हमें क्या करना है, 4 महीनों में हम समझ गए चैतन्य महाप्रभु रुके थे वैकट भट्ट के घर में, वहां पर उनके प्रति चर्चा होती थी हरि कथा, और जैसे नारद मुनि सुनते थे हरि कथा, गोपाल जो बच्चा था वहां पर वो सुनता था कि मेरे पिताजी मेरे अंकल और चैतन्य महाप्रभु के बीच में ये डिस्कशन हो रहा है, कब कब होता था, दिन रात होता, दिन रात हरि कथा चर्चा करते रहते, उनको उसी में आनंद आता था, और ये हरि कथा सुन कौन रहे थे, गोपाल सुन रहे थे, और यही गोपाल बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी, लेकिन कैसे, हरि कथा सुन के, और कोई तरीका है नहीं, कोई सस्ता जुगाड़ ना है नहीं यहां पर, कोई सस्ता जुगाड़ नहीं है। ये देखिए नारद मुनि ने क्या किया, बच्चे थे जब हरि कथा सुनी सेवा की, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या किया जब बच्चे थे,
हरी कथा सुनी और सेवा की चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए तीनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी प्रभुपाद जी भक्ति को ट्रांसलेट करते हैं, भक्ति मीन्स प्योर डिवोशनल सर्विस, भक्ति मीन्स प्योर डिवोशनल सर्विस, प्रेममय सेवा, इसी को भक्ति कहते हैं। अगर सेवा नहीं है तो भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है। समझे इस बात को, किसी भी रिलेशन के पीछे सेवा जरूरी है। कोई माँ बच्चे को बोले बेटा मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं, ये बात बोल के माँ कमरे में जाए सो जाए, अगले दिन सुबह सुबह कमरे से बाहर निकले बोला बेटा मैं सच में तेरे से बहुत प्यार करती हूं, ये बोल के कमरे में जाए और सो जाए, तीसरे दिन बाहर निकले बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूं, फिर कमरे में जाए और सो जाए, बोला प्यार करके कुछ बना दे, भूख से मरने की। क्योंकि प्रेम एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, सेवा, सर्विस। इसकी प्रभुपाद ने बोला भक्ति का मतलब सेवा, इसे हम जपा करते हैं सेवा, श्रवण कर रहे हैं सेवा, पाद सेवन करेंगे सेवा, अर्चन करेंगे सेवा, सब कुछ क्या है सेवा। अब हमें यह ध्यान देना है कि सेवा हम सावधानी पूर्वक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि सेवा करते करते थोड़ी लापरवाही बरत लेते हैं, और लापरवाही का तो देखो कोई स्कोप नहीं है। जैसे अभी मैं यहां से आ रहा था तो रास्ते में एक बोर्ड लगा था, उस बोर्ड पे लिखा था कि एक एड्रेस मेंशन किया हुआ था, और उस एड्रेस मेंशन में बताया गया था कि एक प्लेस है रोज सुबह जो 7:30 बजे वहां पर पहुंचेगा उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, और उसका एड्रेस है, सब कितना शांत होकर सुन रहे तो कोई ऐसी जगह नहीं है, लेकिन हमारे मतलब की बात आती तो हम कितना ध्यान से सुनने लगते हैं। बोला कौन सा, जैसे कभी कभी अनाउंसमेंट होती है ना, किसी का ध्यान नहीं होता अनाउंसमेंट में, और फिर आखिरी में अनाउंसमेंट किया और प्रसाद है, अब सब प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद ना कह रहे हरी कथा अवैध है, हरी नाम अवैध, छोड़ भक्तों का संग अवैध कर दिया, हाँ प्रसाद ना, ये बताओ हमें क्या सुनाई देता है जो हम सुनना चाह रहे हैं। उसी प्रकार से वैसे वो अटेंटिवनेस रहनी चाहिए हमारी हरी कथा के प्रति, देन इट इज अ सर्विस। पता है परीक्षित महाराज जब कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनते सुनते परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं देखो जल्दी जल्दी मत बताना, आराम से समझाना, इलैबोरेट करके बताना। हम लोग पता क्या चाहते हैं, बोला इतने आराम आराम से क्यों बोलो, जल्दी नहीं करो ना। परीक्षित महाराज जब कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते एक्टिव है, बोला जब रोज सभी ग्वाल बाल अपनी माओ के पास जाके हरी कथा बता देते कि आज कृष्ण ने ये किया, सारे बछड़े गौशाला में जाके अपनी माओ को बताते थे कि आज कृष्ण ने असुर को ऐसे ऐसे मारा, ये लीलाएं की। बोला अघासुर की लीला 1 साल बाद क्यों बताई उन्होंने अपनी माताओं को। तो परीक्षित महाराज का एक प्रश्न सुन के सुखदेव गोस्वामी मुस्कुराते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप ध्यान पूर्वक सुन रहे, और फिर वो बताते कि क्यों 1 साल बाद बताया, क्योंकि इस 1 साल में ब्रह्म विमोहन लीला हो गई थी, ब्रह्मा जी बछड़े और ग्वाल बालों को चुरा कर गायब हो गए। कितना अटेंटिवली सुनते, एक एक कंटेक्स्ट पता होना चाहिए क्या चल रहा था, एक एक कंटेक्स्ट। दिस इज द पावर ऑफ कथा, ये शक्ति है। तो ये जो महीना है चतुर्मास से, इस चतुर्मास से हमें चतुर नहीं बनना, इस चतुर्मास से हमें विनम्र बनना है। कैसे, तपस्या करने के माध्यम से, साधारण तपस्या नहीं, हालांकि चारों महीनों की अलग अलग तपस्या होती है। एक में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेते, सेकंड महीने में दूध नहीं लेते, तीसरे महीने में दही नहीं खाते, चौथे महीने में उड़द की दाल, मसूर की दाल, ये दालें नहीं खाई जाती। ये तपस्या तो है, लेकिन और बेटर तपस्या, कौन सी तपस्या, जो कि ऋषभ देव अपने पुत्रों को बता रहे थे। क्या कह रहे ऋषभ देव, कह रहे नायम देह देह भाजा मृलोके कष्टान कामान अर्हते विद भुजां ये तपो दिव्यं पुत्र का ये सत्वं शुद्धीन यस्मात् ब्रह्म सौख्यं पुनंतम। कह रहे जो मनुष्य देह हमें मिला ना, मैंने पहला प्रश्न क्या पूछा था आपसे, जो मनुष्य, सुन लीजिएगा ध्यान से, कह रहे जो मनुष्य देह हमें मिला ना, ऋषभ देव कह रहे हैं अपने पुत्रों को बता रहे, कह रहे मनुष्य देह हमें प्राप्त इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं मिला, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए मिला। कह रहे क्यों, बोले ये तो कुत्तों और सूअरों को भी प्राप्त हो जाता है, बल्कि वो बेटर कर लेते हैं।
वो अच्छा कर सकते हैं संस्कृत कृष्ण, हम नहीं कर सकते अच्छा, वो बेटर कर सकते हैं, उनका शरीर बना ही ऐसे भोगने के लिए। बोले ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है, मनुष्य जन्म मिला है, ये जानवरों की तरह इंद्र तृप्ति करने के लिए मिला। बोला फिर किसने मिला ये? बोला ये मिला है हमें ताकि हम तपस्या कर सके। तपस्या भी ऑर्डिनल तपस्या नहीं, कह रहे तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या। ये दिव्य तपस्या करने से क्या होगा? जब हम चार महीने दिव्य तपस्या करेंगे, ये दिव्य तपस्या करने से हमारा शुद्धिकरण होगा। और जब हमारा शुद्धिकरण होगा, जब हम प्योर होंगे, तो कृष्ण है सुप्रीमली प्योर। जैसे प्रभुपाद कहते थे अग्नि में प्रवेश करने के लिए, फायर में एंटर करने के लिए हमारी बॉडी फायरी होनी चाहिए, ये तो अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकते। वैसे कृष्ण परम पवित्र है, और परम पवित्र को अप्रोच करने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा, तभी तो अप्रोच कर पाएंगे। ये तो अप्रोच कैसे करेंगे कृष्ण को? तपस्या के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने आप को हम पवित्र करते हैं, हम प्योरिफाई करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस को। इससे क्या होता है, हम कृष्ण को अप्रोच कर पाते हैं। किस रूप में? कृष्ण के नाम के रूप में, कृष्ण की कथा के रूप में, कृष्ण के श्री विग्रह के रूप में हम अप्रोच कर पाते हैं। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण अवतार लिया। बोलिए हरे कृष्णा, कृष्ण का अवतार हुआ है। जब कृष्ण का अवतार होता है जन्माष्टमी पे, क्या उत्साह होता है हमारे अंदर। जन्माष्टमी, आज जन्माष्टमी अलग प्रार्थना चल रही होती है, एक अलग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस रहता है, क्योंकि आज क्या है, जन्माष्टमी है। बिल्कुल वैसे जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, वो क्षण जन्माष्टमी है, और वही उत्साह हमारे अंदर रहना चाहिए। क्योंकि कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम रूप में कृष्ण अवतार दिया है, और ये नाम लेने से भी जगत का उद्धार हो सकता है। नहीं तो उद्धार नहीं होगा, उधार रहेगा सर। मतलब क्या है, कर्मा का बैंक बैलेंस चलता रहेगा। उद्धार का एक ही तरीका है, कृष्ण के नामों की शरण। इसलिए इन चतुर्मास्य में हमें कुछ चीजें करनी चाहिए और कुछ चीजें छोड़नी चाहिए, ये जरूरी है। डूज एंड डोंट्स, ये बहुत जरूरी है। और ये कौन बता रहे हैं? रूप गोस्वामी बता रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड श्लोक में उपदेशानंद। बोला क्या करना चाहिए? बोला उत्साह, उत्साहित रहना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, उत्साह रहना चाहिए। प्रभुपाद से किसने पूछा, उत्साह नहीं आता? प्रभुपाद कहते हैं उत्साहित रहो, उत्साह नहीं आता, उत्साहित रहो, fake it till you make it। कई बार उत्साह नहीं आ रहा होता, लेकिन हम भक्तों के बीच में आकर उत्साह से नाचने की कोशिश करते हैं, उत्साह आता है, लेकिन करना पड़ता है ना। कई लोग कहते हैं प्रभु जी मन नहीं करता। आपने से कौन कौन इसका मन डिस्टर्ब करता है जब करते समय, भक्ति करते समय? जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो सोच रहे हैं उनकी बातें विश्वास करेंगे। हम सबका मन डिस्टर्ब करता है, सबका मन इधर उधर भागता है, मन का काम ही डिस्टर्ब करना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मन लगा कब है? कभी कोई ऐसा समय आया है जब हमारा मन लगा हो? स्कूल जब भेजा, कैसे भेजा था? मन लगता था स्कूल जाने में? जबरदस्ती, माताएं मान ही नहीं सकती इस बात को। माताओं ने ऐसे सर कर दिया, कह रहे मतलब ही नहीं, कह रहे जबरदस्ती किया। अच्छा बच्चे खुद खा लेते हैं? क्या किया उनके साथ? जबरदस्ती। हमने मन के लगने की वेट नहीं की, करो मन लगेगा। उसी प्रकार से हम हरि नाम जब करेंगे भक्तों के संग में, तो मन लगेगा। हरि कथा सुनने का प्रयास करेंगे, अपने एफोर्ट, इनकम से इतना एफोर्ट दीजिए कि ध्यान से सुनिए। शास्त्र कह रहे हैं प्रविष्ठा कर्ण रंध्रेण, भगवान हमारे अंदर कैसे प्रवेश करते हैं? आंखों से नहीं, जुबान से नहीं, कानों से, कर्ण रंध्रेण, यहां से भगवान प्रवेश करते हैं हमारे हृदय के अंदर। इसलिए ये सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सुनना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। हमारे नेग्लिजेंस नहीं बढ़ सकते सुनने, क्योंकि बाकी पार्ट भी कमजोर हो जाएंगे। अभी मंदिर ने क्या किया था, आधा सुना था कि चक्रव्यूह में कैसे घुसना है, निकलना सुन पाए थे नहीं? क्या हुआ उनका? फंस गया ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। उसी प्रकार से हम अधूरा अधूरा ज्ञान लेके जाते हैं यहां से, फिर अधूरा ज्ञान
प्रसाद पाते पाते 60-70% वो डाइजेस्ट हो जाता है, घर पहुंचते पहुंचते आधा परसेंट 1% बचता है जो कि एक दो दिन में वो भी खुश हो जाता है। ऐसे कैसे काम चले, कम से कम बेस्ट अटेम्प्ट तो दे। कथा सुनते सुनते प्लानिंग चली चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। यहां पर मैं वीक हूं, मुझे इंप्रूव करना है, ये स्किल है जो मुझे डेवलप करने है भगवान की सीमा में। प्लानिंग होनी चाहिए ना, सुनते सुनते प्लान नहीं किया तो बाद में प्लान होगा ही नहीं कभी। इससे सुनने का मतलब केवल सेंस ऑर्गन से सुनना, इसको सुनना नहीं कहते। श्रवण सुनो, मनन सोचो, साथ साथ में प्लान करो। ये मेरे को क्वेश्चन है, ये अच्छा पॉइंट है, ये मुझे करना है, ये मेरा डाउट है, सोचो मनन चलना चाहिए साथ साथ में। और थर्ड निधिध्यासन, जीवन में उतारो, अप्लाई। गाय क्या करती है, गाय पहले खा लेती है, उसके बाद अपने अंदर रखती है उसको, फिर कहीं बैठ जाएगी तो जुगाली करेगी। ये क्या कर रही है, वो मनन। अच्छा मान लो जुगाली करके गाय थूक दे, उसको नरिशमेंट मिलेगा, मनन से भी काम नहीं चलेगा। निधिध्यासन जीवन में उतारना पड़ेगा, इसलिए इन तीनों को मिला के कहते हैं श्रवण करना। आपने सुना ये तब माना जाएगा जब आपने मनन करके उसे अपने जीवन में उतारा, ये तो आपने सुना नहीं। जैसे माँ बेटे को बोले बेटा मैंने पानी लिया, बेटा बैठा है, बेटा जाओ बेटा मेरे पानी लेके आओ, बेटा बैठा, बेटा तुमने सुना नहीं क्या, जा मेरे पानी लेके आ। क्यों माँ तीसरी बार बोलती है तूने सुना नहीं किया, क्यों? पहले भी तो सुना था दोनों बार उसने, फिर क्यों बोला सुना नहीं किया? क्योंकि अप्लाई नहीं किया, इसलिए क्या माना जाता है इसने सुना ही नहीं। क्योंकि सुनने का मतलब जीवन में अप्लाई करना होता है, नहीं तो सुनना होता ही नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस चतुर्मास में उत्साहित रहना, उत्साह निश्चय डिटर्मिनेशन और धैर्य पेशेंस, तत् तत् कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि, इससे भक्ति बढ़ती है। देखो दोनों में क्या करना है और क्या नहीं करना, दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? संग त्यागा। संग त्यागा इसमें भी बताया गया है और अगले श्लोक में अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम आग्रह जन संगश्च, ये रिजेक्ट करना है। वर्ल्डली एसोसिएशन नहीं चाहिए, वर्ल्डली एसोसिएशन। हम लोग अच्छे खासे भक्ति में नरिश हो, हम मान लीजिए आप बैठे हुए आराम से, आपका घर आपने साफ सुथरा किया है, कोई व्यक्ति आए अपने कूड़े का डब्बा लेके आपके घर में पलट दे, आप क्या बोलेंगे? जी धन धन सौभाग्य हमारे, आपने कूड़ा हमारे घर में लेके आए, आपके आम के छिलके, आपके कद्दू के बीज, धन्यवाद जी आपका, हम ये बोलेंगे? क्यों अपनी गंदगी पलट के चलेगा भाई तू यहाँ पर? ऐसे ही कई लोग आते हैं जो अपने वर्ल्डली एक्सपीरियंस हमारे पर थोप के चले जाते हैं। ऐसे एसोसिएशन से बचना, ऐसा ही इनको छोड़ देना, बोला कल से स्कूल जाना बंद, कॉलेज जाना बंद, नौकरी जाना बंद, बिजनेस करना बंद, नहीं करना है। लेकिन जो वर्ल्डली दुकान पे बैठना इंपॉर्टेंट है, दुकान पे बैठ के पॉलिटिक्स की बातें करना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्डली एसोसिएशन जो करे, जो ड्यूटी आपकी बस उतना निभाएंगे, बस डन हो गया। कॉलेज में जाना, प्रोजेक्ट की बात करना स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दिस इज रिक्वायर्ड। लेकिन उनके साथ में पिक्चर देखने जाना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। उनके साथ में कॉलेज बंक करके कहीं और चले जाना, ये नहीं चलेगा। वर्ल्डली एसोसिएशन तो कहते हम संग कर रहे हैं ना, वो त्यागना है बस। जितना ड्यूटी के लिए, जितना मतलब वर्किंग रिलेशन रखने उसे, ताकि खराब भी ना हो और बहुत इंटीमेट भी ना हो, बस उतना। इससे क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति नहीं करता इन चीजों का पालन, जन संघर्ष करता रहता है, बोला है षड्वीर भक्ति विनश्यति, ऐसे व्यक्ति की भक्ति का क्या होता है, नाश हो जाता है, नाश नाश। तो इसलिए ये तपस्या बहुत जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। देखिए उदाहरण देखिए, जन संघर्ष का कितना अच्छा है। भगवान वराहदेव और पृथ्वी देवी के पुत्र है भौम, ये भौमा ने क्या किया, बाणासुर का संग किया और बाणासुर का संग करके भौम खराब हो गया और ये भौम से भौमासुर हो गया, जिसे ननखासुर भी कहते हैं। और क्या गलती थी इसकी,
एसोसिएशन बैड था इसका। किनका पुत्र था वो? भगवान का बेटा था भाई। ये भगवान एग्जाम्पल पता है क्यों सेट करते हैं? भगवान ये बताने के लिए सेट करते हैं कि मेरा बेटा भी फंस गया। तुम कौन से खेत की बोली हो? मतलब फंस जाओगे। क्यों? बैड एसोसिएशन किसी को भी करप्ट कर सकता है, किसी को भी। उसके लाइफ में ना करप्शन आते हैं। क्यों? बैड एसोसिएशन से एक चीज खराब होती है, हमारे थॉट्स, हमारी विचारधारा खराब हो जाती है। इसलिए कहते हैं वॉच योर थॉट्स, बिकॉज योर थॉट मेक्स योर वर्ड्स। जो हम सोचते हैं हमारे शब्द वैसे बन जाते हैं। वॉच योर वर्ड्स, बिकॉज योर वर्ड्स मेक्स योर एक्शन। जो शब्दों में होता है एक दिन एक्शन में भी आ जाता है। वॉच योर एक्शंस, बिकॉज योर एक्शंस मेक्स योर हैबिट। आपकी आदत बनती है। वॉच योर हैबिट, बिकॉज योर हैबिट मेक्स योर कैरेक्टर। एंड वॉच योर कैरेक्टर, बिकॉज योर कैरेक्टर मेक्स योर डेस्टिनी। तो पूरी डेस्टिनी खराब होने का कारण क्या है? थॉट खराब हुए। और थॉट कैसे खराब हुए? बैड एसोसिएशन से खराब हुए। इसकी गुड एसोसिएशन कीजिए ताकि थॉट अच्छा रहे, थॉट प्रोसेस अच्छा रहे। नेगेटिव लोगों का संग करेंगे तो कूड़ा डाल के चलेंगे। जब कोई आके हमारे पास अपनी बातें बताए ना, याद रखना अपना कूड़े का डब्बा पलटने आया मेरे। हमको डस्टबिन थोड़ी, जैसे डस्टबिन में लिखा होता है ना यूज मी, हमको डस्टबिन थोड़ी कि कोई भी व्यक्ति आएगा अपना कचरा हमारे ऊपर डाल के चला जाएगा। भौतिक जीवन का रुकना। कभी कभी हम उनकी बातों को बड़े अटेंटिव सुनते हैं। कोई बता रहा होता ना एक दूसरे की बातें कि किसकी बेटी किसके साथ भागी, किसके बेटे के साथ क्या हो गया, हम ऐसे सुनते। अच्छा लोग और बताते, मजा आता है उनको बताते, अच्छा लगता है उनको बताने। वो होता भी यही है। इसलिए नहीं करना बैड एसोसिएशन, नहीं करना। ये प्रॉब्लमेटिक है ना, ये हमारे लाइफ को स्पॉइल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। अच्छा करना क्या क्या है? टू डू लिस्ट में हमारी क्या है? सबसे पहले टू डू लिस्ट में हमारी है जो हमें चीजें करनी चाहिए। नंबर वन, गेट अप बिफोर सनराइज एंड टेक बाथ। सूर्य उदय से पहले उठिए और स्नान कीजिए और उसके बाद सो मत जाइए। आपने बोला सूर्य उदय से पहले उठना है और स्नान करना, स्नान करके अब हम सो रहे हैं, नहीं। फिर क्या करना है? क्या करते हैं? मंगल आरती करते हैं, जपा करते हैं। जो गृहस्थ भक्त रोज मंदिर नहीं आते उनको चाहिए कि घर पे अपने मंगल आरती करें। हो सकता है पौने घंटे एक घंटे वाले ना करें, 10-15 मिनट्स के लिए कीजिए, 10-15 मिनट वाले कीजिए, जिसमें कोई रिपीट नहीं करा, बस आप ही करें। संसार का प्राणायाम ऐसे बोलो जाते गाते थोड़ा, मंगल आरती करना, जपा करना। और क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ाइए। कई बार लोगों को लगता है 16 माला से ज्यादा नहीं करते, अपराध होता है, लगता है लोगों को। कहते पति 16 माला पर्यंत्य पाद एकम न गच्छति, यानी 16 माला लाल के एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगा मैं। नहीं, ज्यादा कीजिए भाई, 17 कीजिए, 18 कीजिए, 19 कीजिए, 20 कीजिए, अपने जप की संख्या को बढ़ाइए। चतुर्मास में क्या करना? भजन को बढ़ाना है। आपने सुना होगा कई कर्म कांड विचार में और भी चीजें बताई जाती है। बोला जाता है कि दान दोगे तो ये फल मिलेगा, मंदिर साफ करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा कर्म कांड के विचार से। लेकिन भक्त को मेटीरियल तो कुछ चाहिए नहीं होता ना, भक्त को तो मतलब स्पिरिचुअल से है। क्योंकि हम रोज नाम जप के बाद क्या बोलते हैं? जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। यस, कृष्ण प्रेम है जीवन का लक्ष्य। और जिसका कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है उसकी योजना किसके हिसाब से बननी चाहिए? कृष्ण के हिसाब से। प्रभुपद कहते थे आई हैव माय प्लान्स, You have your plans. Krishna has his own plan. और किसका प्लान चलेगा? इससे प्रभुपाद जी कहते थे, instead of meeting, resolution, revolution, no solution, better is chant Hare Krishna. बैठे इतने रिवोल्यूशन, गिरिराज महाराज जी गए, गिरिराज महाराज जी ने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद ये समस्या आ गई है। प्रभुपाद ने बोला नाम संकीर्तन करो, नाम संकीर्तन से, नाम जब से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बताया जाता है भक्त संकीर्तन में ऐसे हाथ उठा के कीर्तन करते हैं ना, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भक्त ऐसे हाथ उठा के नाम संकीर्तन करते हैं, बताया जाता है भक्तों की शक्ति से जो उच्च लोक के वासी है उनका उद्धार हो जाता है। जब भक्तों कीर्तन करते समय नृत्य करते हैं, उनके पैर जमीन पर पड़ते हैं, नीचे के लोगों के जो वासियां उनका उद्धार हो जाता है।
रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जब कोई भक्त सोचता है कि कल से मैं जप करना शुरू करूंगा, कार्तिक के महीने से मैं जप करना शुरू करूंगा, अगले साल से मैं जप करना शुरू करूंगा, सोचा उसने करा कुछ नहीं, जैसे सोच लेता है कि मैं नाम जप करूंगा, रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि देवी देवताओं के लोक में भुतर भुतर मच जाती है, वो आरती की थाली लगाने लग जाते हैं। बोला इसने सोच तो लिया ये हरिनाम करेगा, अभी ये हरिनाम करेगा इसका उद्धार हो जाएगा, यहीं से निकल के जाएगा गोलोक वृंदावन, तब हम इसकी आरती करेंगे। ब्रह्मा जी अपना सारा काम धाम छोड़ के, रूप गोस्वामी कह रहे हैं सब काम धाम छोड़ के ब्रह्मा जी क्या करते हैं, मधु पर्क बनाना शुरू करते हैं ना, स्वीट हनी वाटर यहां से निकल के जाएगा ना, इसको मैं मधु पर्क पिलाऊंगा। क्यों, इसने क्या किया अभी, इसने सोचा है कि मैं हरिनाम करूंगा। सोचिए, सोचने वाले को यह लाभ मिल रहा है, करने वाले को कितना लाभ है। ये नाम जप की पोटेंशियल, लेकिन लोग नहीं समझ पाते, नाम जप में बेस्ट अटेम्प्ट देना है। हम सोचते हैं नाम जप का मतलब मोदी आगे करना, मुंह से बोलना, नहीं, सोना माला बोली नहीं है, सोना माला सुननी है सोना माला। एक बच्चा इतना शरारती, इतना ठीक, उसके मां बाप कहते थे हरे कृष्णा बोलो, कहते था नहीं बोलूंगा, कहते थे हरे कृष्णा बोलो, जैसे आप लोग नहीं बोल रहे, बोलिए हरे कृष्णा, आप तो अच्छे हैं, आप तो बोल रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं, वो कहता था नहीं बोलूंगा, अब भक्ति नहीं करता था, विगत कर्मों की वजह से उसको कुछ ऐसी बीमारी हो गई, मृत्यु की शैया पे था। माता पिता पहुंचे, कह रहे बेटा अब तो मरने वाला है, अब तो कम से कम हरि नाम ले गई, कहता बोला ना नहीं बोलूंगा हरे कृष्णा, और मर जाता, लेकिन मरते मरते क्या बोल देता, अब उसके पुराने पापों की वजह से उसको यमदूत यमलोक में ले जाते हैं, यमराज जी अपनी सभा में घुसते हैं, चित्रगुप्त परेशान बैठे थे, यमराज जी कहते चित्रगुप्त इतना परेशान कभी देखा नहीं, बोला क्या बताऊं, ये केस ही ऐसा आया, इसने बचपन से ये सारे पाप किए। यमराज जी कहते तो आसान केस है, पापी को नर्क में भेजते सड़ने के लिए, भेजो नर्कों में, सड़ेगा वहां पर। कहते नहीं, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसने मरते मरते क्या बोल दिया, हरे कृष्णा बोल दिया, एक तरफ चित्र को बैठे थे, दूसरी तरफ यमराज जी बैठे थे। क्या करें, क्या इसका, बोला ब्रह्मा जी से पूछते हैं, बच्चे बोला चलो जी ब्रह्मा जी के लोक में चलना है। बच्चा कहता देखो यहां तक तो मेरे कर्मों की गति से घसीट के लाए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मेरी गति क्या होगी, मेरी थोड़ी चिंता है, अब कहीं जाऊंगा तो पालकी पे जाऊंगा। क्या करें, यमराज जी चित्रगुप्त आगे यमदूत पालकी में बिठा के उस बच्चे को पीछे ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचे। जैसे कभी कभी पुलिस में जाते ना, पुलिस वाले कहते हैं हमारी चौकी का नहीं है, ब्रह्मा जी ने बोला समाधान तो दू लेकिन हमारी चौकी का नहीं है। बोला हाँ, लेकिन वैष्णव नाम यथा शंभू, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है शंभू शिव जी, वो बताएंगे कि जिसने मरते मरते एक बार क्या बोल दिया हो, हरे कृष्णा बोल दिया, उसकी क्या गति होती है। अब सीन क्या है, ब्रह्मा जी नारद मुनि यमराज चित्रगुप्त उस बच्चे को पालकी में बिठा के शिव जी के लोक में पहुंचते हैं। अब शिव जी को सब कुछ बताते हैं, आंखों में आंसू आ गए होंगे कि हम थक गए हैं, इसने बचपन से ये सारे पाप किए हैं, इसने मरते मरते क्या बोल दिया, शंभू हे शिव जी आप बताइए जिसने एक बार कृष्ण नाम लिया उसकी क्या गति होती है। शिव जी कहते बताऊं तो सही लेकिन मेरा नाम लिया क्या, क्या बोला, हरे कृष्णा, सॉल्यूशन कौन देंगे, हरे कृष्णा कृष्णा। तो शिव जी नंदी ब्रह्मा जी नारद मुनि यमराज चित्रगुप्त उस बच्चे को पालकी में बैठा के कृष्ण के पास पहुंच गए और अब कृष्ण को सब कुछ सुनाते हैं। बोला हम परेशान हैं, हम घूम घूम के थक गए, इस बच्चे ने ये सारे पाप किए, आप बताइए इतने पाप करने के बाद इतने पापी व्यक्ति भी अगर एक बार आपका नाम बोल दे उसकी क्या गति होती है। भगवान कहते हैं जो भी व्यक्ति मेरा एक बार नाम ले ले बोलिए हरे कृष्ण। कहते हैं जो भी व्यक्ति एक बार मेरा नाम ले लेता है, बड़े बड़े देवी देवता शिव नारद ब्रह्मा यमराज इत्यादि उस व्यक्ति को पालकी पर बिठाकर मेरे धाम लेके आते हैं और यही छोड़ देते हैं। अच्छा, इसने क्या किया था गलती से हरे कृष्णा बोल दिया। सोचिए जिसने गलती से हरे कृष्णा बोला उसकी ये गति है, लेकिन जो भक्त ये निर्णय कर लेता कि मैं 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करूंगा,
सोचिए कृष्ण उसको क्या देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं कृष्ण उसको। गुरु महाराज तभी कहते हैं चैंटिंग 16 राउंड्स इज नॉट द बॉम, अटेंटिवली चैंटिंग 16 राउंड्स इज द बॉम। हम प्रतिज्ञा लेते हैं, वचन देते हैं गुरु को कि मैं ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करूंगा, जैसे कैसे घसीटते घसीटते 16 माला का जप करूंगा, ये नहीं कहते ध्यान करूंगा। इसलिए हमें क्या करना है, सुबह सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त के समय, हरिनाम जप करना है, मंगल आरती करनी है, शास्त्र पढ़ने हैं, वैष्णवों की सेवा करनी है, दान देना है, ये सब कार्य हमें करने हैं। क्या नहीं करना, हमें चार नियम जो है इसका उल्लंघन नहीं करना, इसको तोड़ना नहीं, सख्ती से पालन करना है। आप जितने मर्जी नियमों का पालन कर लीजिए, लेकिन अगर हम ब्रह्मचार्य व्रत का पालन नहीं करते इन चतुर्मास्य में, हमें लाभ नहीं मिलता किसी चीज का। इन चार महीने में चाहे प्रभु चाहे माता, ये पालन करना जरूरी है, चाहे गृहस्थ चाहे ब्रह्मचारी, ये पालन करना जरूरी है। और जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति पालन करता है और क्या करता है, साथ में जिस चीज में उसका समय बर्बाद होता है, जैसे ज्यादा सोना इसको कम करता है, ज्यादा नहीं सोना, लिमिटेड जितना बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, 6 घंटे सफिशियंट होता है। 6 घंटे से ऊपर की नींद होती है, ये शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये मन की जरूरत होती है। खासकर वाली जो होती है ना 2 मिनट वाली, 2 मिनट में उठ रहे, ये शरीर को नहीं लग रहा होता, ये कहीं और ही जा रहा होता है। तो ये चीजें हमें इस चतुर्मास्य में नहीं करनी, और पहले हमें चर्चा करके क्या क्या हमें चतुर्मास्य में करना है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि ये मेगा सेल है, 4 महीने की कोई सेल देखे कभी आपने, 4 दिन की सेल लगती है। भगवान देखिए कितने कृपालु हैं, 4 महीने की सेल लगाई है ताकि सेल का लाभ उठाएं, अपने आप को प्यूरिफाई करें और भगवान के धाम जाएं। थैंक यू वेरी मच।